रियल पॉलिटिशियन, उन्होंने एक फसाड बना के रखा था। उस फसाड का पर्दाफाश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में। क्या देखा कि दैट कन्फ्लिक्ट किलिंग्स एंड ऑल दैट नो फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव सीन दैट। बट 4 सालों से हमने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है। एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं कोचिंग में इन्वेस्ट करूं या नहीं, लेकिन लोगों को इस ब्रेक की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी। जैसे ही ब्रेक मिली ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया, कोई पत्थर ही नहीं उठा था। वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना, जब से 370 हट गए तब से बहुत इधर बेरोजगारी हो गई, ड्रग्स हो गए आम, और दूसरी बात तब से कश्मीरी बहुत गरीब हो रहे दिन ब दिन। क्योंकि जहाँ तक बात करें आर्टिकल के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आई, जैसे कि आप रिसेंटली मैं बात करूँगा जो हमारे शिया भाई है मुहर्रम आपका, आपको पता ही है 30 साल ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से उनको अलो नहीं किया जा रहा था। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं भारत आपके सामने आ गया। और ये वीडियो है आप अगर देख के आपको बहुत ही दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या अभी हो रहा है आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। कुछ लोगों का थोड़ा सा मन में खराब भी है, लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगता है उनका जो पॉजिटिव टॉक है आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी डेवलप हो रहा है 370 हटने के बाद में, तो सभी पूरी दुनिया को पता है। वैसे भी एक जगह उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके अंदर जो नौजवान और उन वहाँ के जो पब्लिक जो भी बोले हैं आपको सुनकर बहुत ही आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग को पता हुआ है कि 4 साल के अंदर में 370 हटने के बाद क्या उन लोग महसूस कर रहा है। ये आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। पूरे वीडियो को स्किप मत करो, अगर आप सच्चा हिंदुस्तानी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, ऐसे कुछ वीडियो मिलेगा बहुत ही ताज़ा वीडियो मिलेगा। चलो पहले वीडियो तो हम प्ले कर लेते हैं। जावेद भी तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम से, बीरवा से, जहाँ आचार्य अभिनव गुप्त रहते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर घूमने आए हैं? यस, अपने दोस्तों के साथ। ये बताइए कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी आ रही है, उसकी एब्रोगेशन की एनिवर्सरी एक दो दिन में, तो आपको कैसा लग रहा है? 4 साल हो गए इसको एब्रोगेट हुए, क्या आप खुश हो एज अ कश्मीरी? देखिए पब्लिक खुश है, मैं एज एन इंडिविजुअल कोई मान्य नहीं रखता हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल समाज में कोई नहीं है। एज अ समाज प्रोग्रेसिव बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लोग खुश है, यहाँ हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए लोगों के हित में, हर कोई आर्टिकल लोगों के हित में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वो खुश नहीं था, ये एक फसाड बनाया हुआ था जो यहाँ की रीजनल कुछ पार्टीज है और कुछ फेल पॉलिटिशियन, उन्होंने एक फसाड बना के रखा था। उस फसाड का पर्दाफाश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में। जब से वो पर्दाफाश हुआ है हकीकत लोगों के सामने आ गई। हकीकत यह है कि कश्मीर में अमन है, मेरे 3-4 साल से बच्चे नहीं मारे गए, पैलेट का शिकार नहीं हुए, ऑल टाइम लो मिलिटेंसी है आज के डेट में, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वेमेन एम्पावरमेंट हुई, जो कम्युनिटीज़ डिसग्रंटल थी उनको दबा के रखा गया था वो एम्पावर होकर आ गई, हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए। अभी मुहर्रम था, 34 साल से एक होली प्रोसेशन को उन लोगों ने बंद करके रखा, इस बार मोदी साहब ने स्टार्ट किया और विद 0% कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इंसान हूँ जम्मू कश्मीर का हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं हम एक साथ थे उस प्रोसेशन में, मेरे सिख भाई वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मेरे हिंदू भाई जूस पानी उन मोर्नर्स को दे रहे थे। दिस इज नया कश्मीर, यही तो नया हिंदुस्तान है, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। नाम बताइए प्लीज। आप कहाँ से आए हैं? मैं बारामूला से, बेसिकली अभी श्रीनगर में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जरा बता सकते हैं कि 370 के हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या आप खुश हैं? नहीं, इंडीड, यू नो, लेट मी, यू नो, मैं अभी भी बात करता हूँ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बीइंग ए कश्मीरी मुस्लिम एंड बीइंग ए कश्मीरी, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स, हमने क्या देखा कि दैट कन्फ्लिक्ट किलिंग्स एंड ऑल दैट नो फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव सीन दैट जितने भी जो यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो लड़के हमारे लड़के मर जाते थे, पैलेट्स आते थे, बाकी चीज़ें आते थे, वो समहाउ कम हुए, एंड फॉर दैट यू नो ऑब्वियसली वी आर हैप्पी, एंड नॉट ओनली मी बट
जितने भी जो कश्मीरी है यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके बहुत खुश है कि दे आर चिल्ड्रन आर सेफ नाउ, सो डेफिनेटली वी आर हैप्पी, एब्सोल्युटली. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो जब आप सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं तो आपका फैक्चुअली लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होना भी ज़रूरी है. आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि हमने जो रिवोक किया आर्टिकल को वो इसलिए किया क्योंकि बहाली आई, पीपल आर विटनेसिंग दैट, वो बता रहे हैं. लेकिन आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को. अब जैसा कि हमें पता है कि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, आर्टिकल की सुनवाई हो रही है, क्या रिजल्ट आएगा वो बेहतरी में होगा कश्मीर की, वो कश्मीर के लोग देखेंगे. बट 4 सालों से हमने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है. एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं कोचिंग में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि कोचिंग सेंटर कब बंद हो जाएगा मुझे नहीं पता था और मुझे 1.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते थे और सब बच्चों का यही हाल था. सो एज अ स्टूडेंट मैंने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है. तो ये तो आप खुश हो या तो आज तो देखा आपने दोस्तों कि ये एक स्टूडेंट है और अपने नज़रिए से ये कह रही हैं कि ये आर्टिकल 370 के हटने से खुश हैं और उन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया. और yes. और कुछ कहना चाहते हैं? वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉट इन अ बनाना रिपब्लिक. सो पॉलिटिकल सेटअप इन एनी स्टेट और इन एनी कंट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो भी एक मसला है. बिल्कुल. तो आप कह रही यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए. मैं ये कह रही हूँ, आई एम सेइंग दैट बहाली आई है आर्टिकल 370 के बाद, बट दैट डज नॉट मीन पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप. दे आर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप. तो दे आर वॉचिंग कि हम जो जिनको वो फॉलो करते हैं. आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे ये ऐसे वैसे है, बट अगर वो हम डीप रूटेडली देखेंगे वही पॉलिटिकल पार्टीज डीप रूट्स में हैं अभी भी. तो पीपल आर लुकिंग एट देम कि वो एज अ लीडर्स उनके सामने कैसे आएंगे. तो आप चाहती हैं कि पॉलिटिक्स में रिफॉर्म हो. Yeah, और there should be reforms and there should be new leadership में इमर्ज होना और उनको एक्सेप्टेंस और ये जो कॉन्स्टेंट फेसेस हम कई सालों से देख रहे थे उनमें एक चेंज आना. अब हमें नए लोगों को देखना. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा तो अब हम जाकर और वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं दोस्तों, मैंने सोचा कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं. यहाँ पर एक लेडी है मेहर. अच्छा डॉक्टर मेहर, आप बताइए आप कहाँ से? मैं श्रीनगर से हूँ, राजबाग एरिया से. तो एज अ कश्मीरी आर्टिकल 370 के हटने के बाद आप 4 साल होने को आए हैं, क्या आप खुश हो? वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी. वी आर एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ बीइंग फ्री. आप प्लीज हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों. हाँ जी, हम लोग एज वुमेन सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हैं. एज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स बार बार अननेसेसरली बंद नहीं हो रहे हैं. एज टीचर्स वी आर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वी आर हैप्पी कि बार बार काम नहीं रुक रहे हैं. एक फाइल को चलने में 10 दिन 20 दिन नहीं लग रहे हैं बिकॉज उन 10 दिन में से 5 दिन जो थी वो हड़ताल थी. सो नो हड़ताल, नो कर्फ्यूज. कश्मीर को इस ब्रेक की ज़रूरत बहुत टाइम से थी. यहाँ कुछ नहीं हुआ आर्टिकल 370 को हटने से. किसी ने कोई मारा है क्या किसी को? किसी को बंद किया है क्या? लेकिन लोगों को इस ब्रेक की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी. जैसे ही ब्रेक मिली ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया. कोई पत्थर ही नहीं उठा था. वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना कि ये कार एक्सेसरीज वालों ने अपना ना घर बना दिया था शीशे रिप्लेस कर करके. बट नाउ इट्स बेटर. यू डोंट गो आउट विद अ कार एंड यू डोंट कम बैक विद अ ब्रोकन विंडो पेन. नो, यू डोंट कम विद इट बिकॉज़ अब पत्थर कोई नहीं मारता. पत्थरों का बिजनेस शट सा हो गया. बहुत अच्छी बात है यार. वी आर हैप्पी. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों अब मैं गार्डन से मार्केट की तरफ आ चुकी हूँ. मैं इस वक्त श्रीनगर के एक मार्केट में हूँ. तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ दुकान वाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि 370 हटने के बाद इनका इनको क्या लगता है, मतलब कैसे फील हो रहा है अब 4 साल होने को आए 370 हटने के बाद. तो ये क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए हम. अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अयान है. अयान साहब, आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, आप बिजनेसमैन हो. मुझे बताइए 4 साल होने को आए 370 हटने के बाद, एज अ कश्मीरी आप क्या फील करते हो? आप खुश हो इसके हटने से? आपको कोई मायूसी है या आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए? और जब से 370 हट गए तब से बहुत इधर बेरोजगारी हो गई, ड्रग्स हो गए आम, और दूसरी बात तब से कश्मीरी बहुत गरीब हो रहे हैं दिन ब दिन. और कश्मीर में बहुत चेंजिंग से पहले जो अच्छे थे लोग अब टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं लोग. और दूसरी बात बहुत जुल्म है कश्मीर में. जैसे जैसे
जैसे टैक्स पे टैक्स चढ़ाते हैं मकानों पे, दूसरी बात क्या बोलते हैं इसको, दारू के अड्डे आ रहे हैं, दारू के अड्डे आते आते रहते हैं और बहुत खराबी हो रही है लड़कियों में, लड़के में जिना बहुत आम हो रहा है इधर कश्मीर में। बट आपको लगता है 370 का इससे कोई लेना देना, या आपको ऐसे बताया जा रहा है कुछ ऐसे लीडर है? देखिए मैं सिर्फ 370 की बात करूँ, ये जो आपने इश्यूज बोले वो तो है कश्मीर में, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत है, जुडिशरी को मजबूत करने की जरूरत है, मगर मैं 370 की बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है उससे आपको कोई फायदा था और अभी आपको कोई नुकसान हो रहा है एज अ सिटीजन? आप पॉलिटिशियन तो हो नहीं, 370 की बात कर रहे हो आप, हमको नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इससे। जैसे इधर अब बाहर के लोग आए हैं, इधर कब्जा जमा रहा है, वो मोदी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको मोदी सरकार से उम्मीद है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ के लोग, अच्छा से उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान अच्छा ही होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली यहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, इनका 370 से कोई लेना देना नहीं है। इन ये जो इन्होंने जिन मुद्दों की बात की, ये बात सच है, यहाँ पे जॉब्स की कमी है, बेरोजगारी है, ये बात भी सच है, यहाँ पे ड्रग्स में बेरोजगारी की वजह से सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, सुसाइड्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ड्रग अब्यूजर्स के ही नहीं, सुसाइड्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बाहर से लाए जा रहे हैं, जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स उनके लिए बाहर से लाए जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की बेरोजगारी को जो है अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये एक चीज़ है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि बाकी इन इकोनॉमिक और सोशल चीज़ों के अलावा, बिकॉज आप समझ सकते हैं दोस्तों ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, इसको चाहे आप यूटी बना लो या कुछ भी बना लो, है तो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, और यहाँ पर लोग जो है ये अप्रिशिएट नहीं करते कि यहाँ पे दारू के ठेके आ जाएं, मतलब अल्कोहल की शॉप्स आ जाएं, ये इन सब चीज़ों का, इन सोशल मुद्दों का और इकोनॉमिक मुद्दों का जो है 370 से कोई लेना देना नहीं है, ये अवेयरनेस गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस तरफ जाकर कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नफीस अहमद। तो आप ये बताइए 370 के हटने के बाद 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो जैसा पहले था वैसे ही लग रहा है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? कोई चेंज नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल। मगर इसके कुछ फायदे दिख रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत। हाँ। 2 साल से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें काम बढ़ रहा है, टूरिस्ट की वजह से काम बढ़ रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। तो आइए मैं, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मुसैब है। जी आप यहाँ पर बिजनेस करते हो कश्मीर में? जी। मुझे बताइए आर्टिकल 370 को हटे हुए 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए आर्टिकल की जहाँ तक बात करें, आर्टिकल के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आई, जैसे कि आप रिसेंटली मैं बात करूँगा जो हमारे शिया भाई है, मुहर्रम आपका आपको पता ही है, 30 साल ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से उनको अलो नहीं किया जा रहा था, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो गवर्नर साहब है उनने उनको अलो किया है, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक चेंज है। और जैसे कि आपको पता है कि और भी बहुत चेंजेस आई, जैसे कि आप देखेंगे G20 जो इस साल G20 हुआ वो कश्मीर में हुआ यहाँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं G20 से हमें क्या फायदा, स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा? देखिए स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा, अगर G20 में कोई डेलीगेशन आई थी वो तो एक दिन या 2 दिन के लिए आई थी, आप अभी मेरे साथ पोलोव्यू मार्केट चलिए, राजबाग चलिए, वहाँ पे कौन बैठे है? वो तो कश्मीरी बैठे हैं। अभी अगर वहाँ पे कोई वो साइकिल चला रहे हैं वो कश्मीरी है, वो थोड़ी कोई G20 के डेलीगेशन वो साइकिल चला रहे हैं। हर चेंजेस बहुत सारी आई है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हालात होती थी, आप अभी आप अपने पीछे स्टूडेंट देखिए स्कूल के हालात है, यहाँ पे पूरे साल जो है वो स्कूल बंद रहते थे, आप विजुअल्स में दिखाइए पूरे साल यहाँ पे स्कूल बंद रहते थे, हड़ताल होते थे, कर्फ्यू होते थे, यहाँ पे कैलेंडर निकाला जाता था कि हफ्ते में किस दिन क्या होगा, ये बच्चे है इनका फ्यूचर है, जब ये पढ़ेंगे नहीं तो कल को क्या है अपनी लाइफ में करेंगे, आज पूरे साल जो है स्कूल बंद रहते, इससे बड़ी और क्या चाहिए? तो आप खुश हो आर्टिकल 370 के? बहुत खुश। हाँ मैं ये बोलूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ ऐसे डेलीवेजर्स हैं या कोई ऐसे मसले मसाइल है, लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप ये मत देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि क्या क्या काम हो रहा है, हर एक चीज को थोड़ा टाइम लगता है, 70 साल यहाँ पे बर्बादी हुई, अभी तो 40 साल हुए, अगर 4 साल में इतना हुआ तो 5 साल 4 साल 3 साल और दे दो और देखो कि क्या हो सकता है। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच मुसैब साहब। तो आपने देखा दोस्तों हमने अलग अलग लोगों की राय ली, कुछ कह रहे हैं कि 370 से खुश नहीं है। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान जो भी का है वो बात छोड़िए क्योंकि पूरा दुनिया जानता है अभी भारत के अंदर में जो कश्मीर है उसका क्या डेवलप हो रहा है।
नए वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि अब रात बहुत हो चुका है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे को देख रहा है, तो इस बात में मैं और एक बात कह रहा हूँ, ऐसे ही कुछ नए वीडियो लेके आऊँगा और मेरी हिंदी में मत चाहिए, मेरा हिंदी ऐसा ही है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक बात ज़रूर, आपका क्या राय है, क्या विचार है जम्मू एंड कश्मीर 370 को लेके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहिए। वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। लास्ट में क्या कहूँ, हैंडसम नॉट मैटर, हार्ट मैटर। जय हिंद, जय भारत।